इसने जो हमारे किन्नौर में लगभग कहीं भी नहीं होगा, जो जितना संग्राम में है ये। वैसा जी, हाँ जी, हैप्पी होली जी। सेम टू यू। सोनू को तो लाया नहीं शॉप में। अच्छा, होली है, होली है, होली है, होली है। रुक रहा ना, जब मार रहे हैं ये क्या अश्विता दे पागल। चिक चिक इधर आओ, तो मैं गिराऊंगी आपका के। मोनांगो जुबा तंग हाय किनो क्या जस्तो शो। मोनांगो जुबा तंग हाय किनो क्या जस्तो शो। बातें देखो ना इसके, फिर भी कैसा लगा? पीछे मुड़ो बोरे। थोड़ा जोर से बोलना। ये जो है हमारी श्री बेरेंग, ये जो है हमारी श्री बेरेंगनाथ जी का ही एक जो इस अस्तित्व को बचा के रखा है। लगभग हमारी उम्र 48 साल है, मगर उससे पहले ही हमारे बुजुर्गों से पहले ही इसको आज तक वस्तु इसको बचा के रखा है। मगर ये जो है बहुत सूचा होता है, इसका जो भाल है दीप्ति के शीरे का काम आता है और ये बहुत सूचा है। मगर अभी इतने जो हमारे किन्नौर में लगभग कहीं भी नहीं होगा, जो जितना सांगला में है ये। सांगला में लगभग अभी भी 100 से ऊपर हमारे बेरेंगनाथ जी के जो अस्तित्व को बचा के रखा हुआ है। इस जो हमारे याक है ये श्री बेरेंगनाथ जी का है, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि भी हर जगह जो भी है कि देवी के जो पति है इसको बचा के रखिए। ये जो देखिए आप कैसे कैसे, आपको लग रहा है देखो, आप ही देख रहे हैं कितने अच्छे हैं। 100 लगभग अभी भी 100 है, इसको देखो हमारे बड़े भाई ये संभालते हैं। तो इसका जो बाल है अभी हम 20 तारीख को इसको काटेंगे, जो लंबा वो हमें डिप्टी के जो शीरा बनाते हैं बहुत सूखा होता है उसके लिए। इसका लगभग इसकी जो बाल है लगभग 4000 रुपये किलो इसका बाल है। और इसका जो फूल पत्ती जो इसको अभी भी परंपरा रखा है, मगर कहीं भी ऐसा नहीं है कि जो ऐसा है। मगर सांगला में होली जो आगाज़ है ये भी श्री बेरेंगनाथ जी की तरफ से, प्लस जो ये आज जो ये जो है याक है ये भी हमारे बेरेंगनाथ जी का अस्तित्व को यानी कि बचाए रखा हुआ है। और पूरे किन्नौर में इतना कहीं भी नहीं होगा जो मैं आपको आज, मुझे लगता है पूरे हिमाचल में नहीं होगा, लगभग हिमाचल में नहीं होगा, मगर किन्नौर की बात है थोड़ी थोड़ी गांव में है। अच्छा। मगर किन्नौर में भी सबसे ज़्यादा हमारे सांगला श्री बेरेंगनाथ जी का ही आ गया है। धन्यवाद। सामने जाएंगे तो डरेंगे कुछ नहीं होता, गर्मी से बुरा हाल। पानी वाला तो बिल्कुल नहीं खेलना भाई, ऊपर से मुंह फट जाते हैं। तो इतनी गर्मी में भगवान और है क्या क्या हुआ? हां और क्या अमीर क्या यो कलरफुल बना दिया, बैंगनी फूल बना दिया हमारे को, कलरफुल का तो पता। उफ। तो गाइस अभी भी हम लोग चले ही है, बॉर्निंग सारिंग पहुंचने वाले हैं। ये वाला पार्ट बॉर्निंग सारिंग है, थोड़ा सा और चलने का रहता है।
फाइनली हम लोग बॉर्निंग सारिंग पहुंच गए थे। तो आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा, जिस भी पॉइंट में हम लोग पहुंच रहे हैं या रुक रहे हैं वहां पर हम लोग डांस ज़रूर कर रहे हैं, और वहां पर हमारे लिए खाने पीने का प्रबंध किया गया है, चाहे वो स्नैक्स हो, चाहे वो लंच हो, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो। तो अभी गाइज हमें यहाँ पर लंच मिलेगा। थोड़ी देर डांस करने के बाद सभी लोग अब बैठ चुके हैं भोजन खाने के लिए। तो यहाँ पर हमें भोजन मिलेगा लंच दिन का। तो अभी हम लोग भी बैठने वाले थे तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत शूट कर लूँ। और एक और बात बताऊं, हमारे साथ साथ जो हमारे टूरिस्ट आए थे वो भी बिल्कुल हमारा सहयोग साथ साथ दे रहे थे। वो लोग भी हमारे साथ ही पूरा साथी बनकर हर जगह घूमे। बहुत ही अच्छी बात है गाइस, देखो पूरा साथ वो लोग घूमे हर जगह, वो हमारे साथ इवन वो खाने पीने के टाइम भी। अब मैं आपको भी शूट करके दिखाऊँगी, बैग से सब लोग बैठे हुए थे और उनको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। हैप्पी होली जागृति दीदी, जागृति दीदी और रीति दीदी, हमारा हाल बहुत बेहाल हो चुका है, बहुत तमीज़ है, देखो किस थप्पड़ मार दिए गाइस, इसको पहचान रहे हो जागृति को? नमस्ते सबको, आ जाओ चलो जाओ, क्या करते हैं वीडियो बनाओ। मां कसम तुमको यार, इतना लगता चाची का मां कसम, ये वाला मेरा एक बंदा रंग ढूंढ रहा था, होली तो होली पे सा होली, मेरा एक बंदा रंग ढूंढ रहा था, ये बांट क्या था जब स्टार्ट बोलेंगे तब बोलना, कौन बोलेगा? 1 2 3 स्टार्ट। हैप्पी होली भैया, फोटो ली, फोटो आ जाओ, आ जाओ, सारे पीले पीले लग रहे हैं, इधर आ जाओ, नीले आ जाओ, आ जाओ। जैसे ही हमारा लंच हो गया उसके बाद यहाँ पर हम लोग फिर से अपने लोकल गीत के साथ नृत्य दिखा रहे हैं गाइज आप लोगों को, तो इसका एंजॉय कीजिए। Thank you.
रंग की ओर जा रहे हैं। आज मेरे फोटोग्राफर कोई और है, वीडियोग्राफर सॉरी। हम बरगा रंग की ओर जा रहे हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड है, हम आपको दिखाते हैं कि क्या हो गया। ये हमारे आज के हमारे कैमरामैन, हमारे वीडियोग्राफर जो ड्रोन से शूट करे जा रहे थे कंटिन्यूसली, और इन लोगों की कॉन्वर्सेशन मेरा खुद का बनाने वाला था ना, मैं देखती मेरे भाई आगे से अंकुश भैया कर रहे हैं सब। लालची, मैं लालची नहीं हूं, लालची है मार दो बड़ी बत्ती चल नहीं बोल रही। तो ये देख सकते हो आप हमारे पीछे टीम, हमारी होली टीम ज्यादा बड़ी नहीं है। क्या नहीं, आप फोटो खींच लिया। मॉर्निंग स्टारिंग के बाद गाइज अगला जो हमारा पॉइंट था वो था बरगा रंग। तो हमें यहाँ पर स्नैक्स मिलेगा तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो अगेन गाइज यहाँ पर पहुँचते हम लोग डांस करना स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद हमें कुछ खाने को मिलेगा, उसके बाद दोबारा से डांस करेंगे, उसके बाद डायरेक्टली हम मंदिर पहुँच जाएंगे। सारिंग वाला कवर किया था, तो ये सेकंड डे, सेकंड डे से आज़ाद कश्मीर, आज़ाद कश्मीर से बॉर्निंग सारिंग, उसके बाद बरगा रंग है ये पॉइंट। तो यहाँ पर भी थोड़ा हमारे को चाय पानी मिलता है, तो उसके बाद हम डायरेक्ट मंदिर चले जाएंगे बैरिंग नागेश जी के। और फिलहाल अभी हम लोग बैठे देख सकते हो, और यहाँ पर देखो धूप भी छुप चुकी है मैक्सिमम पूरी तरीके से, थोड़े थोड़े ऊपर पहाड़ में आपको धूप दिख रही होनी। और यहाँ पर सारे चाय नाश्ता का तैयारी में है, मतलब चाय नाश्ता कब आए, और उसके बाद हमने सीधा मंदिर निकलना है। तो थोड़ा बहुत शूट करूंगी, वैसे मंदिर का तो पहले भी शूट किया बट फिर भी थोड़ा बहुत शूट करूंगी। और हमें प्लेट नहीं मिला है, देखो आम अबर को प्लेट मिल गया है, हमारे को प्लेट ही नहीं मिला, हम हाथ से खा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें स्नैक्स मिल चुका था, चाय पकौड़ा, तो उसके बाद हम सब मिलकर खा रहे थे। तो आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पर सब मिलजुल कर खा रहे हैं गांव वाले, और साथों साथ हमारे जो बाहर से टूरिस्ट आए हैं वो लोग भी हमारे साथ पूरा 3 दिन का उन लोगों ने पूरा इंजॉय लिया गाइस। बाबा जी
बालक कैलाश भी जाना है, हमारे को टाइम नहीं है अभी, हमें कैलाश में चढ़ना है। अच्छा और कहाँ का हो गया बालक? तो गाइज आप लोग देख सकते हो कि अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर की ओर। ये देखो सबसे अलग चली हुई है। तो फाइनली सब कुछ कंप्लीट करने का आज पूरा दिन का कंप्लीट हो चुका है। तो कल दोबारा स्टार्ट होगा बाजार से, तो मैं आपको थोड़ा बैक से दिखा देती हूँ कि सब लोग अब मंदिर की ओर चल रहे हैं। हेलो, कैसे हो आप सभी? ठीक हूँ, आप बताओ आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया। आप यहाँ के हो? हाँ जी, हम एज ए गेस्ट आए यहाँ, बहुत बढ़िया लगा। नेक्स्ट टाइम दोबारा आना। श्योर, बाकियों को लेके आएंगे। क्या नाम है आपका? गर्ल फ्रॉम हिल सांगला वैली। वाओ, गर्ल्स गर्ल गर्ल फ्रॉम सांगला वैली। अच्छा, ये नहीं है? ये नहीं है, मेरा अपना अलग से। अच्छा, चैनल है। तुम अकेली हो सांगला? देखना जरा, सब्सक्राइब करना। श्योर श्योर। अब गाइज हम लोग जा रहे हैं डायरेक्ट मंदिर की ओर। तो सेकंड डे कंप्लीट हो गया है हमारा आज का। तो थर्ड आप लोग ज़रूर देखें, थर्ड में हमारा जो होलिका है उसको जलाया जाएगा। तो अभी आपको थोड़ा बहुत मंदिर का भी दिखाऊंगी। रात हो चुकी थी और हम लोग अब जाकर मंदिर पहुंच गए। तो मैं आपको थोड़ा बहुत मंदिर का शूट दिखाती हूँ। We'll be right back.
तो इसी के साथ गाइस सेकंड डे का होली होता है यहाँ पर कंप्लीट, और मैं आपको नेक्स्ट शेयर करती हूँ थर्ड डे का। और थर्ड डे का और भी इंटरेस्टिंग रहेगा जस्ट बिकॉज क्योंकि उस दिन होलिका जलेगी। और एक और बात, और उस दिन बहुत सारे टूरिस्ट और आ जाएंगे, वैसे आज भी थे बट थर्ड डे में बहुत ज़्यादा हो जाते क्योंकि उस दिन मेन होली होता है हमारे पूरे हिंदुस्तान का, तो इसलिए अरे परे से भी बहुत जगह से लोग आएंगे। और गाइस उस दिन बाजार से लेकर जो मेरा घर है पुदो नालो वाला जो साइड है, खाले पुदो नालो साइड, उस साइड को जाएंगे हम लोग पूरा घूमकर लास्ट में मंदिर होली का जलाने के लिए। तो डोंट मिस।